Hello dear student of class 7, today we are going to start new chapter, chapter number 6. Chapter number 6, algebraic expression. Kya hai? Algebraic expression. So dear student, algebraic expression kya hota hai? Algebraic expression kya hota hai? Sabse pehle to hum isko samjhenge, humara algebraic expression kya hota hai. Dekhi, jab kabhi bhi variable constant और mathematical sign इन तीनों को मिला के जो expression बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं algebraic expression. ठीक है, अब variables क्या होते हैं, x, y, z, ये सब क्या है variable, जो अपनी value को क्या करते रहे, बार बार change करते रहे, vary करते रहे. ठीक है, कॉन्स्टेंट क्या है, जैसे 1, 2, 3, मैथमेटिकल साइन क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड. ठीक है, ये कॉन्स्टेंट हो गया, मैथमेटिकल साइन हो गया. जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन हम जब राइट करेंगे, मिला के लिखेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. जैसे देखिए, मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ एग्जाम्पल में. ठीक है, आप डेफिनेशन लिख दीजिए, ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल कॉन्स्टेंट एंड मैथमेटिकल साइन इज कॉल्ड algebraic expression. ठीक है, एग्जाम्पल जैसे मैंने राइट किया x प्लस फाइव, यहाँ से x वेरिएबल है प्लस मैथमेटिकल साइन और फाइव क्या है, कॉन्स्टेंट. ठीक है, फिर मैंने एग्जाम्पल राइट कर दिया x स्क्वायर प्लस फाइव. ठीक है, ये वेरिएबल है, मैथमेटिकल साइन और क्या algebraic expression, ये भी algebraic हो गया, ये भी algebraic हो गया. हाँ जी, मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया इस तरीके से 2x प्लस 5, तो ये हमारा क्या है, यहाँ मतलब इसमें क्या है, ये कॉन्स्टेंट है, ये भी कॉन्स्टेंट है, मैथमेटिकल साइन है क्या है, वेरिएबल है. तो जब तीनों का कॉम्बिनेशन हमारे पास जब भी होगा, तो उसको हम डियर स्टूडेंट क्या बोलेंगे, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बोलेंगे. ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया अलजेब्राइक एक्सप्रेशन. algebraic expression आपका ये हो गया, या आप write कर सकते हो. ठीक है, x square plus x plus 5, ये भी हमारे क्या है, algebraic expression में है. ठीक है, कुछ और example देख लेते हैं. ठीक है, तो constant मतलब क्या होता है, आपके numbers होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये सब क्या हो गए, constant हो गए. वेरिएबल एक्स वाई जेड, जिस जो वैल्यू आपका वेरी करता रहा. ठीक है, और मैथमेटिकल साइन, जैसे वेरिएबल के बारे में थोड़ा सा और बताओ, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई रेक्टेंगल है, मान लीजिए अभी यहाँ पे एक्स की वैल्यू यानी एक्स लेंथ है और वाई क्या है, ब्रेथ है. ठीक है, मान लीजिए एक्स हमारे पास जो है लेंथ जो है 2 मीटर है और ब्रेथ 3 मीटर है. जब इसका एरिया निकालेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ यानी एक्स इंटू वाई 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 मीटर स्क्वायर. अगर जो सपोज हम इसी रेक्टेंगल को क्या करें, थोड़ा छोटा करें. ठीक है, हम मान ले रहे हैं कि ये हमारा लेंथ जो है 1.5 सेंटीमीटर है और ब्रेथ जो है 2 सेंटीमीटर है. एक्स इंटू वाई यानी 1.5 × 2 कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो एरिया कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर होने का मतलब ये है कि अब आपका एरिया क्या हो गया, कम हो गया. पहले 6 था, कितना हो गया, 3 हो गया. तो एक्स और वाई की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है रेक्टेंगल. जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, एरिया भी बढ़ रहा है, यानी एक्स और वाई की वैल्यू बढ़ रही है तो एरिया भी बढ़ रहा है. एक्स और वाई की वैल्यू कम हो रही है तो एरिया भी कम हो रहा है. इसीलिए एक्स और वाई को हम क्या बोल रहे हैं, वेरिएबल. क्या बोल रहे हैं, वेरिएबल. ठीक है, तो डी एस इसको आप नोट कर लो. ओके, सुनिए, अब देखिए आगे हम समझते हैं टर्म. क्या समझेंगे, टर्म समझेंगे, फैक्टर समझेंगे, कोएफिशिएंट समझेंगे. देखिए टर्म, देखिए टर्म क्या होता है. जैसे मान लीजिए मैंने राइट किया एक्स प्लस फाइव, तो एक्स प्लस फाइव में ये प्लस साइन जो है एक्स और फाइव को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है. तो एक्स हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म,
और 5 क्या हो जाएगा सेकंड का, ठीक है। प्लस और माइनस हमेशा क्या करते हैं, प्लस और माइनस हमेशा क्या करते हैं, टर्म्स को डिवाइड करते हैं। जैसे देखिए मैंने ले लिया x प्लस वाई प्लस सिक्स, तो देखिए यहाँ पे दोनों प्लस हैं, तो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ये सेकंड टर्म हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा थर्ड टर्म। ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, और ये क्या हो जाएगा थर्ड टर्म, ठीक है।